हमारे मोदी सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, योगी जी बेस्ट नहीं है, योगी जी और मोदी जी दोनों बेस्ट है, काम तो दोनों ही कर रहे हैं भैया। इतनी गुंडागर्दी नहीं है, वो बात सही है कि पहले होती थी मगर अभी नहीं है। अखिलेश की सरकार में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, जब अखिलेश की सरकार बनी थी गुंडागर्दी बहुत हुई थी। जेल में डाल देना चाहिए सबको, योगी जी हुए, एक भी नहीं हो दंगा वहाँ, चाहे कांग्रेस है चाहे सपा है चाहे बीजेपी है, ये लोग यहाँ वहाँ माना चाहेंगे ना दंगा होता। अच्छा, ये जाने के लिए कर रहे हैं, दंगा हो रहा है। लेकिन इन्होंने बाद में बहुत ज्यादा गफलत फैलाई है, गलती इन्हीं की है, इन सरदारों की बुद्धि खराब हो रही है, इनकी पिटाई होनी चाहिए। ये आम के पत्ते मोदी सरकार में फ्री मिले, सरकार के टाइम में यहाँ मेट्रो भी आ गई है, समझ रहे हो क्या? आज तक मेट्रो किसी ने तो लेके आया कोई भी, यहाँ पे लेके आया कोई, ये बताओ आज तक। अखिलेश की पार्टी में जितने भी हैं वो तो मुझे बताते तो कौन सा गुंडा नहीं है बताओ। वो तो कह रहे बीजेपी वाले गुंडे हैं, बीजेपी वाला कौन सा गुंडा है बताओ ना, एक का भी नाम आए कौन गुंडा बताओ। वही कहते हैं सारे, अरे कहने कुछ भी कहे जाए। मोदी जी कंफर्म, काम बढ़िया लगे हैं? काम बढ़िया। अच्छा, क्या क्या बढ़िया लगे थोड़ा बताइए। मोदी जी के भाई जो गरीब आदमी उनके घर बनवा दिए और बहुत से काम करे हैं। कहाँ के हो रहने वाले? मैं सर मोदी नगर के रहने वाला हूँ। मोदी नगर के भैया, यूपी में चुनाव है, किसकी सरकार देख रहे हो इस बार? यूपी सरकार में चुनाव है, चुनाव है सर मोदी सरकार की है। मोदी जी क्यों? मोदी जी हैं। क्यों योगी जी? क्यों योगी जी? मोदी जी और योगी जी ही सदाबहार हैं जी, और कोई नहीं। क्या कर दिया ऐसा सदाबहार? सदाबहार उन्होंने गरीबों को लॉकडाउन में राशन फ्री खिलाया है, और क्या है इससे ज्यादा? अच्छा। क्या जिसको भूख और प्यास मिल जाए आज के टाइम में, उससे ज्यादा क्या चाहिए? अच्छा। जी बाबू जी, आपको कुछ चाहिए जी? आज के टाइम में जिसने मोदी जी ने टाइम पे खाना दिया है, सब कुछ उनका है। अच्छा, टाइम पे दिया है? हाँ, टाइम पे दिया है सर, राशन तो दिया। अखिलेश जी तो कह रहे हैं, अखिलेश जी, अरे भैया अखिलेश जी क्या कहें, कुछ नहीं कहेंगे, सरकार मोदी जी है, योगी जी है, भगवान आने वाले टाइम में यही कहेंगे, आने वाले टाइम तक हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएं तो सही कहेंगे, मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। कर क्या दिया कि मोदी सरकार? अरे मोदी सरकार ने बहुत कुछ कर दिया, हमें बहुत आगे ले गए मोदी सरकार। अच्छा, जैसे थोड़ा सा बता दो जनता को, जनता को क्या पता लग गया, जनता तो भैया बहुत, सरकार ने यूपी में इतना सारा सड़कें बना दिया, पुल बना दिया, क्या नहीं किया, क्या क्या कर दिया योगी सरकार ने, ये सब हुआ है सर, हुआ है सब हुआ है। अच्छा, यूपी के हो भैया, गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था यूपी, कम हुई है? कहाँ गुंडागर्दी हो रही है बताइए, जितना भी बदमाश था सब कोर्ट कचहरी में धक्के खा रहे हैं, जेलों में पड़े हैं। सरकार तो मोदी की ही देख रहे हैं, जैसे सीधी सी बात तो ये है। अच्छा, क्योंकि किसान नाराज है, मोदी को कैसे देख रहे, योगी को कैसे देख रहे? नहीं नहीं, एक बात बताओ, किसान सब रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो किसानों को ही दे रहे, किसान तो एक सीधी सी बात है भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, सीधी सी बात है भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, वो किसी के चक्कर में आकर के भड़काऊ बोल रहे हैं, नहीं तो किसानों को ही पता है, क्यों नहीं, जितने यानी जितना बेनिफिट होना है उन्हें अच्छा बेनिफिट हो रहा है। क्या फायदा हुआ योगी और मोदी के आने से? भैया योगी और मोदी के आने से 380 कुछ रुपए का तो गन्ना, सबसे बड़ी बात तो एक गन्ना व्यापार जो सबसे बड़ा अपने यूपी के अंदर गन्ना व्यापार होता है। गन्नों की पेमेंट ही ना हो रही? नहीं भैया, गन्नों की पेमेंट हुई है, मगर यह है कि हर कोई आदमी ये नहीं चाहता कि यह है कि पूरी नहीं हुई है, मगर कम हुई है, मगर यह है कि इतना भी नहीं कि जो कांग्रेस की सरकार में नहीं होती थी उससे ज्यादा हुई है, उससे ज्यादा। हाँ, उससे पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा हुई है ये। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ के रहने वाले ये बताएं? भैया मोदी नगर के ही रहने, मोदी नगर के ही हो। हाँ जी, गुंडागर्दी तो पहले भी होती थी या क्या अभी भी है? नहीं, इतनी गुंडागर्दी नहीं है, वो बात सही है कि पहले होती थी मगर अभी नहीं है। अखिलेश की सरकार में बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, जब अखिलेश की सरकार बनी थी गुंडागर्दी बहुत हुई थी, बहुत हुई थी, बहुत हुई थी। उस टाइम होता था गुंडागर्दी हुई थी, एक दूसरे ने जितने भी राजनेता थे उनके, उन्होंने अपने आप ही सबसे ज्यादा एक दूसरे को मारना पीटना चालू कर दिया कि हम उससे उनसे ऊपर जाएंगे, हम उससे ऊपर जाएंगे कि हमारी 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 सत्ता चलेगी, हमारी सत्ता चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी सरकार सबसे बेस्ट है और हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार ही रहे, मोदी सरकार ही रहे। हाँ, बस। अच्छा। हम तो यही चाहते हैं यार। और क्या कर दिया ऐसा, योगी जी आएंगे 22 में, क्योंकि सब कह रहे हैं इस बार तो तख्ता पलट है योगी जी का। अरे यार ये तो सब एक किसानों की, प्रधानमंत्री बन जाए चाहे योगी जी बन जाए, दोनों तो है तो एक ही। यूपी की बताओ, यूपी? अरे भैया हमारे मोदी सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, योगी जी बेस्ट नहीं है, योगी जी और मोदी जी दोनों बेस्ट है, काम तो दोनों ही कर रहे हैं भैया। अच्छा। काम तो दोनों ही, आप आएंगे योगी जी वापस? वापस आएंगे, जरूर आएंगे, योगी जी भी आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। एक बात बताओ, अखिलेश जी तो कह रहे 400 सीटें लेके आएंगे। अरे भैया अखिलेश जी गए अपने वहाँ इटावा में, और मोदी जी आएंगे सरकार इटावा। अच्छा। तो अखिलेश जाएगा यार, अखिलेश जी इटावा गए? इटावा के क्यों, 400 सीटों का दावा कर रहे हैं वो? नहीं तो कर रहे, सब झूठी बात, सब। ये आम के पत्ते मोदी सरकार में फ्री मिले, सरकार के टाइम में यहाँ मेट्रो भी आ गई है, समझ रहे हो क्या? आज तक मेट्रो किसी ने तो लेके आया कोई भी, यहाँ पे लेके आया कोई, ये बताओ आज तक, बताओ आप ही, हम तो जनता तो बता रही है मेट्रो तक आ रही है यहाँ पे यार, काम चल रहा है मेट्रो का दवा के। अगर वो कोई इतना विकास नहीं दिखा,
हमें तो किसी सरकार में इतना विकास नहीं दिखा। जी तो कह रहे हैं कि योगी ने बस फीते काटे हैं, बाकी काम तो मैंने किए थे। क्या भैया अखिलेश जी जाएं भाड़ में, हमारे योगी जी और मोदी जी बस। वो तो कह रहे हैं अखिलेश जी की मैंने काम किए थे, योगी जी बस फीते काटे। हमारे भाई साहब प्रेम से बोल रहा हूँ, हमारे मोदी जी और योगी जी हमारी ही सरकार भगवान लेके ही वही है। 2022 में सरकार मोदी जी और योगी जी, योगी देश में खुद काम कर रहे हैं वो लोग, समझ रहे हो ना क्या। उत्तराखंड ले लो, अपना कोई सा भी पूरे इंडिया के अंदर कुछ भी ले लो, वो काम कर रहे हैं, उनका दिख भी रहा है। मगर जो कांग्रेस के परिवर्तन ना, वो कुछ भड़काव बातें देते हैं, वो करते हैं। लखीमपुर में घटना हुई, उसके बाद जितने भी राजनीतिक गिद्ध हैं सब लखीमपुर पहुंचने लगे। भैया लखीमपुर में वही वाली बात है, राजनीति वाली बात चलती है सब जगह, राजनेता अपनी अपनी चलाते हैं, हर आदमी अपनी अपनी वो चलाने लग जाता है, क्या नाम है, हर आदमी अपनी अपनी राजनीति वोट नीति के लिए चलाता है। अच्छा। के हर चीज के लिए अपनी वो करता है कि मेरी बस राजनीति करते हैं कि हमारी वोट निकले। मोदी जी को देख लो, सारे रोड हाईवे कैसे बना दिए अच्छे, के सबको पता है कि हाईवे अच्छे है तो आदमी तो कह रहे किसान नाराज तख्ता पलट। अजी किरास एक बात हो, किसान जी ने एक बात हो, किसान किसान है उनकी राजनीति, उनकी एक बात हो, वो किसान सबसे बड़ी बात है, जिस किसान के घर में एक सरकारी नौकर है और सबसे 30-40 बीघे जमीन है, वो किसान जाके खड़ा होता है वहाँ पे। जो किसान बेरोजगार है ना, 10 बीघे वाला 5 बीघे वाला, वो नहीं जाता है, क्योंकि उसे पता है कि 30-40 बीघे वाले के पता नौकर लगे हुए हैं, उसे क्या फायदा, वो तो अपनी मौज मस्ती करने के लिए जा रहा है वहाँ पे। अच्छा। जा रहा नहीं जा रहा है जी। किसकी सरकार आएगी 22 में, योगी जी आ रहे हैं कोई और? मोदी जी। मोदी जी कंफर्म, काम बढ़िया लगे? काम बढ़िया। अच्छा, क्या क्या बढ़िया लगे थोड़ा बताइए। मोदी जी के भाई जो गरीब आदमी उनके घर बनवा दिए और बहुत से काम करे हैं। एक चीज बताइए, क्या महिला सुरक्षित महसूस कर रही है सरकार? हाँ जी, गुंडागर्दी कम हुई है पहले से? हाँ जी। अच्छा, अंकल जी किसकी सरकार देख रहे हैं 22 में? 22 में योगी जी आएंगे। योगी जी कंफर्म? कंफर्म। कह रहे हैं सरकार तो जा रही है इस बार। नहीं कोई और तो बताओ, इनमें है किसमें दम? अखिलेश भी तो है, 400 दम तो दिखाओ उसमें, कुछ है तो सही। दम ही नहीं है? नहीं, एक मोमडन वोटों को लेकर के कूद रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है उनके पास, मतलब बस मुस्लिम वोटों पर है उनका बस बस बस, वो उनको भी घेरने के चक्कर में, और ओबीसी आ गया तो उनको तो कुछ हाथ भी नहीं आएगा। अच्छा, हाथ नहीं आएगा, पर मुस्लिम तो कह रहे हैं हम ओबीसी को जानते ही नहीं है, कह में है लेकिन काट देता है वोट। देखो वहाँ पे बिहार में नहीं काटी इसने, 5-6 सीट तो ले ही आया था। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? एक चीज और बताइए कि किसान भी नाराज हैं इस वक्त, तो कैसे देखते हैं? ये तो चंद लोग नाराज हैं, किसानों में कह लोग हैं ये। हाँ। आप देखिए, जब ये कहते हो ना, आप लोग आप ही दिखाते हो कहीं पे, ये दिखाते हो कि जी वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, एक भी यूनिट में 1000 से आदमी कहीं ज्यादा नहीं है। ये परसों वाला जो बलवा हुआ है, इस बलवे में भी 2000 से ज्यादा आदमी नहीं है। हमारी मिलिट्री फोर्स इतनी सारी है कि एक दिन में इनको ठिकाने लगा दे, लेकिन काय काय के छेड़ नहीं रही है। मोदी जी बहुत शांत आदमी है, योगी जी बहुत शांत है, भैया तुम जैसे कर रहे हो करते रहो, मैं अपना आप संभाल लूंगा जैसे संभाले। एक घटना हुई है अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में, आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, तो उसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं उस पर? वो घटना, वो तो बेचारे बच करके निकल रहे थे गाड़ी को लेकर के, वो तो आप देखो भाई दोनों तरफ मैं और इधर उधर दोनों तरफ भीड़ लग जाए तो क्या करेंगे आप, पहले तो खड़े देखेंगे यार कैसे निकलूं यहां से। जब उनको दिखाई दिया कि भाई नहीं निकला जाएगा, तो इन लोगों ने लाठी डंडों के साथ ही खड़े ही थे, वो निकल के जैसे तेजी से चले, तो इनके जब ये इधर से उधर क्रॉसिंग में आकर के 3 मर गए। लेकिन इन्होंने बाद में बहुत ज्यादा गफलत फैलाई है, गलती इन्हीं की है, इन सरदारों की बुद्धि खराब हो रही है, इनकी पिटाई होनी चाहिए। एक चीज और है कि एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें जो एक आतंकवादी था भिंडरावाला, खालिस्तानी आतंकवादी, उसकी टी शर्ट पहने भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। सर रियल तो यही है कि ये सरदारों की बुद्धि जो खराब हो रही है वहीं से हो रही है, वो उन्हीं को कवर कर रहे हैं। उस दौरान भी जब ये 84 वाला दंगा हुआ था, 84 वाला भिंडर वाला कांड था, तब भी ये जाकर के वहीं दुबकते थे सारे के सारे आतंकवादी, और अभी भी वहीं दुबकते हैं ये सारे। अच्छा। हाँ, ये सारे जितने दुष्ट हैं यहाँ के पंजाब के वो सरदार, ये सारे वहीं दुबकते हैं जाकर के। अंकल जी कैसे देख रहे हो, यूपी में चुनाव है 22 में, सरकार किसकी आएगी? योगी की आएगी, और किसकी आएगी? योगी। क्यों? ये सब वोट से ही देंगे, और किसे देंगे बताइए आप मुझे। और भी तो है, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ये कोई पार्टी है? कौन है फिर? बरादरी की पार्टी बन रही है, तो अच्छा बरादरी की पार्टी बन रही है। किसान भी नाराज है। यादव कौन कहे किसान नाराज है? कह रहे सब राकेश टिकैत किसान। अरे किसान टिकैत थोड़ी है नाराज, टिकैत ने कल ना उखरा है, फैसला ना करा तो कहा नाराज है? वो तो कह रहे किसान नाराज है योगी से, का नहीं तो कही है उससे, क्यों करा दे फैसला, उन्हें वो करा दिया फैसला, और कौन कराता वहाँ फैसला? योगी के तो आदमी नहीं है, योगी के
आप नहीं समझ रहे, जो फैसला कराया उसी ने तो कराया है बस। तो वो कहाँ है नाराज, कहाँ है वो? सत्ता पलट करने की भी बात कह रहे थे अभी तो। सत्ता पलट नहीं होती, यही आएगी योगी आएंगे। क्या क्या काम बढ़िया लगे आपको? सारे बढ़िया है, गुंडागर्दी होगी, खत्म होगी, सब में बड़ी बात तो यही होगी। खत्म है, अखिलेश जी तो लगातार आरोप लगा रहे गुंडागर्दी कर रखी है इन्होंने। अखिलेश की पार्टी में जितने भी है वो तो मुझे बताते तो कौन सा गुंडा नहीं है बताओ। वो तो कह रहे बीजेपी वाले गुंडे हैं। बीजेपी वाला कौन सा गुंडा है बताओ ना, एक का भी नाम आए कौन गुंडा बताओ। वही कहते हैं सारे के। अजी कहने कुछ भी कहे जाए। अच्छा आपको अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास नजर आया? हमारे क्षेत्र में देख लो विकास है, इन्हें आ रही है मेट्रो आ रही है जी। और क्या विकास चाहिए? ठीक था वो बन गया, सीवर बन गए जी। एक चीज और बताइए, लखीमपुर खीरी की घटना देखी होगी आपने की वहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब वहाँ पहुँच जाती है। विपक्ष को जेल में डाल देना चाहिए सबको, योगी जो एक भी नहीं हो दंगा वहाँ। अच्छा, चाहे कांग्रेस है चाहे सपा है चाहे बीजेपी है, ये लोग यहाँ वहाँ माना जाएंगे ना दंगा होता। अच्छा, ये जाने के लिए कर रहे हैं, दंगा हो रहा है, ये जाएंगे तो और दंगे हो सकते और दंगा हो रहा। एक चीज और बताइए कि वही जब किसानों को राजस्थान में बुरी तरीके से पीटा जाता है, एक नहर की मांग के लिए किसान प्रदर्शन करते हैं, तब ये विपक्ष की पार्टियां कहाँ चली जाती हैं? अपनों को कौन कहता है बुरा भाई, वहाँ पे कांग्रेस की वो है सरकार है जी। तो अपनों कौन कह रहा बुरा कहेगा? चलिए कांग्रेस नहीं तो अखिलेश यादव भी तो जा सकते हैं। अखिलेश क्या को जाएगा वहाँ? अखिलेश कांग्रेस सपा सब एक ही तो है। कहीं चुनाव है यूपी में, इसीलिए तो नहीं सिर्फ यूपी यूपी कर रहे हैं। यूपी यूपी चुनाव की, यूपी नहीं योगी को हटाओ बस। अच्छा योगी को हटाओ बस, उन्हें ये है ये, और कोई मकसद नहीं है उनका। अच्छा अच्छा।